भाई लंच और डिनर का तो टाइम सेट किया जा सकता है, लेकिन नाश्ता इसका कोई टाइम सेट नहीं होता। जब भी भूख लगती है कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता है, और अगर पता चल जाए सामने जो स्नैक है वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है तो फिर तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, सिटी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही हेल्दी स्नैक्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले लेंगे इसके लिए एक कटोरी सूजी, और इसके कटोरी से ही नाप से हम लेंगे एक कटोरी बेसन, और अब पौना कटोरी इसके अंदर हम डालेंगे ताज़ा दही, और एक ही नाप के लिए एक कटोरी ले लेना आप। इसी से नाप के अब हम एक कटोरी पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये देखिए आपने इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे चम्मच से करें चाहे इस तरह से विस्कर से करें, ताकि आपका बेसन या सूजी कहीं से भी सूखा ना रह जाए, और ऐसा करने से इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए बहुत अच्छे से आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। सूजी महीन हो मोटी हो कोई सी भी चलेगी, टेंशन ना लें। और ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसी तरह आपने भी करना है, कोशिश करना दही ताज़ा लें, अगर दही खट्टा हो तो सिर्फ आधा कटोरी ही डालना। और ये देखिए मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर हमें और पानी ऐड करना होगा। तो टोटल पानी हम इसके अंदर 4 कप डालेंगे, तो हम 1 कप डाल चुके हैं। अब जो बचा हुआ 3 कप है वो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे, एक साथ नहीं। और ये देखिए अब इसके अंदर थोड़ी सब्जियां भी डाल देते हैं ताकि ये बहुत ही हेल्दी हो जाए। तो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल ले रही हूँ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज, और इसके साथ ही फ्लेवर को बढ़ाने के लिए बारीक कटा हुआ मैं हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च अगर बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें। और अब मेरे पास ये गाजर रखी थी तो मैंने गाजर को भी बारीक बारीक काट लिया है, और ये देखिए इस तरह से गाजर भी ऐड कर दी। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, तो आधा चम्मच हल्दी मैंने डाली है, आधा चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और इसके बाद मैं यहाँ आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में इसी चम्मच से नाप के डाल दिया है भुना हुआ ज़ीरा, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। आप यहाँ पर नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखिए सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसको बनाने के लिए बर्तन थोड़ा बड़ा लेना, मैंने अभी छोटा ले लिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट कोई नहीं काम हो जाएगा फिलहाल। और इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करते हुए सारा पानी इसमें मिक्स कर दिया है। और ये देखिए थोड़ा सा हमें इसके अंदर हरा धनिया भी डालना है, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, और पानी भी बीच बीच में डालते जाना है हमें। बहुत ही लिक्विड कंसिस्टेंसी का एक घोल हमें तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि घोल धीरे धीरे कितना पतला हो गया है। तो जब एक पतला घोल हमारे पास हो जाए उसके बाद गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई के अंदर ये सारा का सारा घोल डाल देंगे। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी में हम बेसन का घोल सादा रखते हैं, इसमें जो हमने घोल बनाया है बेसन सूजी दही और बहुत सारी सब्जियां ले ली हैं, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए आपने इसको चलाते जाना है, कंटिन्यू चलाते जाना, वरना क्या है नीचे लग सकता है। हाथ रोकना नहीं, आप स्पैचुला से चलाते रहें जैसे कढ़ी पकाते हुए चलाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। और आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, तो पकता जाएगा, पकते पकते आपको लगेगा कि ये काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, लेकिन आपने हाथ नहीं रोकना है और नीचे से लग के अपना चमचा चलाना है इसमें। और इसी दरमियान हम साथ में थोड़ा सा एक ट्रे को भी ग्रीस कर लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कोई भी स्टील की ट्रे हो थाली हो जो भी हो उसको हल्का सा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे, और हम जो पका रहे हैं उस बैटर को साथ के साथ पकाते रहेंगे और पकाते पकाते इसको गाढ़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक ये घोल गाढ़ा हो रहा है तब तक आप एक काम करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के सामने ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, घंटी को प्रेस कर दें और उसके सामने ऑल पर क्लिक करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये देखिए घोल हमारा पकते पकते ये गाढ़ा हो चुका है, गैस को करेंगे बंद और इसे फटाफट से ट्रे के अंदर निकाल देंगे। यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है बेसन और सूजी होने के कारण, और इसको फटाफट से टैप कर देंगे ट्रे के अंदर,
और इस तरह करने के बाद आप इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें, पंखे के नीचे छोड़ दें एक घंटे के लिए, और नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको ठंडा कर लिया है एक घंटे के बाद, आप देख सकते हैं काफ़ी जम चुका है। मैंने इसके थोड़े से पार्ट को निकाल लिया, उसको मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया है, क्योंकि अभी एक बेटा घर में नहीं है, वो बाद में आएगा, तो उसके लिए बाद में ताज़ा ताज़ा बनाऊँगी। और ये देखिए, इस तरह से आपने फिर मन चाहे पीसेस में कट कर लेना है, और यहाँ इसके पीसेस को कट करके आप भी किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ये एक महीने तक आपके काम आएगा, जब भी भूख लगे फटाफट से निकालें और इस स्नैक को खा लें। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं बिना तले बिना फ्राई किए, और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं एक चम्मच तेल में। ये देखिए, मैं कुछ आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ, बहुत बढ़िया स्वाद आता है, और यकीन जानिए बहुत ही हेल्दी है। जो लोग कहते हैं ना कि जिनको तला हुआ नहीं खाना है, तो आप ऐसे डीप फ्राई किए बिना भी इसको खा सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको ऐसे ही खा लें, ये बहुत टेस्टी है। इसमें सारे मसाले तो हम पहले ही डाल चुके हैं और इसको पका भी चुके हैं, बट फिलहाल हम इसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं देखने में तो लग रही है आपको अमेजिंग सी डिश। यकीन जानिए खाने में बहुत टेस्टी है। अगर पसंद आई हो तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपने उलटते पुलटते हुए सारे स्नैक्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत प्यारा इससे कलर आ जाता है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। और ये देखिए, सभी स्नैक्स हमारे फ्राई हो गए हैं, और आप इसको प्लेट में निकालें, अपने हिसाब से प्लेटिंग करना। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक ही बार मेहनत करनी है, एक बार बना के आप इसे फ्रीज़र के अंदर रख दें, जब भी खाने का मन करे चाय के साथ, या अचानक मेहमान आ जाए तो फटाफट से निकाल के फ्राई कर लें इसको। और ये देखिए, इसके बाद आप इसको हरी चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ जैसे चाहे सर्व करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।